से एक अस्माका का हिस्सा था। ऐसी ऐतिहासिक भूमि से तेलंगाना के उज्जवल भविष्य का एक बहुत बड़ा विश्वास मैं मेरे सामने देख रहा हूं। ये पेंडल छोटा पड़ गया है, इतनी तादाद में आप सब आकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्यारे भाइयों बहनों, करीमनगर ने हुजूराबाद उपचुनाव में फार्म हाउस सीएम केसीआर को सत्ता से बाहर करने का ट्रेलर दिखा दिया था। दिखाया था कि नहीं दिखाया था? आपने शुरुआत की है कि नहीं की है? अभी चुनाव में पूरा खेल खत्म हो रहा है। आज पूरा तेलंगाना एक ही बात कर रहा है, गांव हो शहर हो, मैं जहां जहां गया हूं तेलंगाना एक ही बात बोल रहा है। हर कोई कह रहा है तेलंगाना में पहली बार आ रही है बीजेपी सरकार। मेरे साथ बोलेंगे आप? मेरे साथ बोलेंगे? मैं कहूंगा तेलंगाना में पहली बार, आप सब बोलेंगे आ रही है बीजेपी सरकार। तेलंगाना में पहली बार, तेलंगाना में पहली बार, तेलंगाना में पहली बार, मोदटी सारी तेलंगाना लो बीजेपी प्रभुत्वम ए पार्टू कानुंदी। और बीजेपी ने आपसे वायदा किया है, बीजेपी सरकार में पहला सीएम बीसी समाज से ही होगा। ना कुटुंब सभ्युलारा, आने वाले 5 साल तेलंगाना के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इन 5 वर्षों में तेलंगाना का राज्य, आज तेलंगाना की उम्र है 10 साल, ठीक है, 10 साल हो गए ना, अब 5 साल के बाद 15 साल हो जाएंगे। अब घर में बेटा या बेटी जब 10 साल के हो जाते हैं तो मां बाप क्या सोचते हैं? भाई अब उसके दोस्त अच्छे हो, उसकी स्कूल अच्छी हो, उसके टीचर अच्छे हो, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, उसका बातचीत करने का तरीका अच्छा हो, ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं? और डगर डगर पे मां बच्चों को बताती है कि देख भाई अब तू 10 साल का हो गया, 11 साल का हो गया, 13 साल का हो गया, अब जरा कुछ जीवन के लिए अच्छी पढ़ाई के लिए तैयारी करो, यहीं से जीवन शुरू होने वाला है,
कहते हैं कि नहीं कहते हैं, हर परिवार में बेटा या बेटी 10 साल के हो जाए तो 5 साल मां बाप बड़े महत्वपूर्ण मानते हैं। वैसे ही तेलंगाना के 10 साल हो रहे हैं और इसलिए ये 10 से 15 साल का जो समय है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 5 साल तय करेंगे कि तेलंगाना हिंदुस्तान में नंबर 1 कैसे बनेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये ऐसी उम्र है तेलंगाना की कि अब हम कोई प्रयोग नहीं कर सकते, कोई गलती नहीं कर सकते, हम तेलंगाना को उसके नसीब पर नहीं छोड़ सकते। अब तो हमें हमारे सपनों का तेलंगाना बना के रहना है और इसके लिए तेलंगाना को बीजेपी सरकार की बहुत जरूरत है। साथियों, बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता देश का विकास है, देश के हर राज्य का विकास है। आज जब लोग कहते हैं कि राष्ट्रहित में वोट दिया, अगर किसी को पूछा जाए, टीवी वाले वोट देने के बाद लोगों को पूछते हैं किसको वोट दिया, पूछते हैं ना, ये तेलंगाना में भी लोग चल पड़ेंगे 30 तारीख को। और लोग जब कहते हैं, कुछ लोग हैं बताते नहीं है, इतना ही कहते मैंने तो राष्ट्रहित में वोट दिया, जैसे ही वो कहता है राष्ट्रहित में वोट दिया तो पत्रकार भी समझ जाता है ये बीजेपी वाला लगता है। आज जब लोग कहते हैं कि विकास के लिए वोट दिया तो सुनने वाले समझ जाते हैं कि बीजेपी को वोट दिया है। आज जब कोई कहता है कि देश का गौरव बढ़ाने के लिए वोट दिया तो सामान्य मानवी भी समझ जाता है कि तो बीजेपी को वोट देकर के आया है। जब जनहित की बात होती है, गरीब कल्याण की गारंटी की बात होती है, तब भी एक ही नाम सामने आता है, बीजेपी। बीजेपी पर यही विश्वास आज तेलंगाना के भी कोने कोने में दिखाई दे रहा है। मैं जहां गया हूं, मैं परिवर्तन की हवा देख रहा हूं, मैं लोगों का मिजाज देख रहा हूं। अब यहां बदलाव निश्चित है। लोगों ने यह भी तय किया है, बीआरएस को भगाएंगे, कांग्रेस को आने नहीं देंगे। ना कुटुंब सभ्युलारा, बीजेपी से अलग कांग्रेस और केसीआर ने आपको धोखा देने का कोई मौका छोड़ा नहीं है। जब कोई भ्रष्टाचार का नाम लेता है, परिवारवाद का नाम लेता है, तुष्टीकरण का नाम लेता है, तो तुरंत आपको कौन दिखाई देता है? बीआरएस दिखती है या तो कांग्रेस दिखती है या तो दोनों दिखते हैं। कांग्रेस के विधायकों की तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कब बीआरएस में चले जाएं इसका कोई ठिकाना नहीं, सारा बिकाऊ माल बाजार में है। इसलिए कोई भी तेलंगाना में कांग्रेस को वोट देगा, क्योंकि लोग जानते हैं कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि केसीआर को दोबारा लाने का रास्ता खोल देना। कांग्रेस को वोट यानी केसीआर की सरकार फिर से आने की संभावना।
और इसलिए अगर आप केसीआर नहीं चाहते हैं तो कांग्रेस को भी गलती से वोट मत देना, वरना वो पीछे से घुस जाएंगे। सत्ता से बाहर करने के लिए एक ही तरीका है, एक ही जड़ी बूटी है, एक ही उपाय है, कमल का बटन दबाना। बीजेपी की जीत और बीजेपी का सीएम। ना कुटुंब सभ्युलारा, परिवार के अहंकार में कैसे प्रतिभा का अपमान होता है, ये क्षेत्र इसका भुक्त भोगी रहा है। इस मिट्टी ने देश को पीवी नरसिम्हा राव जी के रूप में एक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन कांग्रेस के शाही परिवार उनको पसंद नहीं आया और उनका कदम कदम पर अपमान किया। यही नहीं, राव साहब के निधन के बाद भी सरेआम कांग्रेस के शाही परिवार ने नरसिम्हा राव जी का अपमान करने का एक भी मौका जाने नहीं दिया। ये परिवारवादी सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों की सोचते हैं, आपके बच्चों की उनको चिंता नहीं है। इसलिए आपको बीआरएस हो या फिर कांग्रेस, ये आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। इसलिए मैं कहता हूं, कांग्रेस केसीआर ओक्टे, कांग्रेस केसीआर ओक्टे, इधर ही तो जागृत का उन्नंदे, बीजेपी मात्र में तेलंगाना प्रतिष्ठनो पेंचुतुंदी। ना कुटुंब सभ्युलारा, परिवारवादी पार्टियां कानून व्यवस्था को भी बर्बाद कर देती है। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी, तब तक आए दिन बम धमाके होते थे। कांग्रेस आज भी जहां सत्ता में है, वहां पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों को बढ़ावा मिलता है। करीमनगर सहित देश के एक बहुत बड़े हिस्से को नक्सली हिंसा में झोंक दिया गया था। किसी ने उनके कान में डाल दिया कि अगर मोदी की परछाई तुम पर पड़ेगी, अगर कहीं पर भी मोदी की परछाई भी तुम पर पड़ेगी, तो तुम्हारे सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। उस दिन से ये ऐसे अंधविश्वासी व्यक्ति, उस दिन से वो मेरे से 50 फुट दूर रहते हैं। न एयरपोर्ट लेने आते हैं, न मीटिंग में आते हैं। किसी ने सुन के दिमाग में भर दिया है कि मोदी का शैडो, मोदी की परछाई अगर केसीआर पर पड़ गई तो उनके सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे। ऐसे अंधविश्वासी लोग, क्या तेलंगाना जैसे आधुनिक सोच वाले नौजवानों का भला कर सकते हैं?
मोदी सरकार गरीब से गरीब को पक्का घर देने में जुटी है, लेकिन यहां की करप्ट केसीआर सरकार ने गरीबों को 2 बेडरूम फ्लैट देने का वादा पूरा नहीं किया और मोदी ने गरीबों के जो लाखों घर बनाए उनको भी यहां की सरकार लाभार्थियों को मिलने नहीं दे रही है। ये जांच का विषय है। हजारों मकान बने हुए हैं, दिए नहीं जा रहे हैं। क्यों? कोई कटकी का हिसाब किताब बाकी है क्या? इसलिए रोक करके बैठे हो क्या? केसीआर सरकार ये बहुत बड़ा पाप कर रही है और ऐसी सरकार को सजा तेलंगाना का हर गरीब देने वाला है। ना कुटुंब सभ्युलारा, कांग्रेस हो या बीआरएस, ये लोग आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बीजेपी सरकारों में 96-97 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता है। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार है पेट्रोल सस्ता, गोवा में बीजेपी सरकार है पेट्रोल सस्ता, हरियाणा में बीजेपी सरकार है पेट्रोल सस्ता, गुजरात में बीजेपी सरकार है पेट्रोल सस्ता, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पेट्रोल कहीं 10 रुपया कहीं 15 रुपया सस्ता है, जबकि यहां बीआरएस की सरकार आपसे कहीं ज्यादा रुपये पेट्रोल के नाम पर मार लेती है। आप यहां बीजेपी सरकार बनाइए, आपको पहले ही दिन पेट्रोल पंप पे जाओगे तो बीजेपी सरकार बनाने का संतोष वहीं मिल जाएगा। आपको महंगाई से राहत देने के लिए हर फैसला लिया जाएगा और ये मोदी की गारंटी है और मोदी गारी गारंटी अंटे मोदी गारी गारंटी अंटे गारंटी का पूर्ति आई है गारंटी। ना कुटुंब सभ्युलारा, सामाजिक न्याय बीजेपी की प्राथमिकता है, सामाजिक न्यायम बीजेपी तोने साध्यम। इसलिए तेलंगाना को पहला बीसी समाज का सीएम देने का आज के लिए आपको वोट डालना है। मादिगा समुदाय को उनका हक मिले इसके लिए वोट डालना है। एसटी समाज को सुरक्षा और सम्मान मिले इसके लिए वोट डालना है। केसीआर ने तेलंगाना के लोगों को विश्वासघात दिया, गरीबी दी, मुश्किलें दी। क्या तेलंगाना का निर्माण केसीआर के परिवार को पालने के लिए हुआ था? क्या आप लोगों ने तेलंगाना इसलिए बनाया था कि केसीआर अपने नाते रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे सके? केसीआर ने बोला था, क्या क्या बातें की थी? केसीआर ने बोला था आपको देंगे निल्लो निधुलो नियमा कालो, पर आपको दिया क्या? उसने क्या दिया? कन्नीलो मोसालो निरुद्योगलो। और इसलिए मेरे साथ बोलिए, बोलेंगे मैं बोलूंगा, फिर आपको बोलना है बीजेपी फॉर तेलंगाना। क्या बोलना है?
क्या बोलना है? जरा हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, क्या बोलना है? प्रति कोना ओक्टे गाना, बीजेपी फॉर तेलंगाना। आपको क्या बोलना है? प्रति कोना ओक्टे गाना, प्रति कोना ओक्टे गाना, प्रति कोने ओक्टे गाना। साथियों, तेलंगाना में बीआरएस की नाव डूबने वाली है और बीआरएस को भी ये एहसास हो चुका है कि 3 दिसंबर को उसका टिकट कट जाएगा। और देखिए, ये देखकर केसीआर के परिवार के लोगों ने भी उसमें भी घर में बिखराव शुरू हो गया है। अपनी हार सामने देख केसीआर एक तरफ पूरी ताकत लगा रहे हैं कि जनता का आक्रोश थोड़ा ठंडा हो जाए, वहीं दूसरी तरफ केसीआर के रिश्तेदार अब बीआरएस को ही कोस रहे हैं। 3 दिसंबर के बाद तो ये लड़ाई और तेज होने वाली है। भाजपा सरकार आने के बाद जब यहां लीकर स्कैम की जांच तेज होगी, मोबाइल हो या फिर पैसे की डिलीवरी, स्थानीय स्तर पर हर तार को खंगाला जाएगा और केसीआर की भगदड़ मचनी तय है। आप याद रखिए साथियों, ये बीजेपी ही सरकार है जो बीआरएस के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर सकती है। और मैं आपको वादा करता हूं, जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। अगर यहां गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर वो तेलंगाना को भी अपना एटीएम बना लेगी। तेलंगाना के लोग ही तेलंगाना को फिर कुछ साल पीछे होने से बचा सकते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आना यानी गरीब कल्याण की हर योजना में लूट। मेरा तेलंगाना के लोगों से आग्रह है, और मेरी एक, बाकी कुछ ना समझो तो कोई बात नहीं, इतना समझ लेना, मेरा आपसे आग्रह है, एक बीमारी को खत्म करने के लिए दूसरी बीमारी मत लाइए। ये कांग्रेस उससे भी दूसरी बीमारी है। कांग्रेस पर कभी भरोसा मत करना। कांग्रेस का तो एजेंडा ही है, कांग्रेस आई तबाही लाई। पहले से विकास में इतना पिछड़ चुके तेलंगाना को कांग्रेस बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आप बीजेपी पर भरोसा कीजिए, मोदी पे भरोसा कीजिए। आपने मेरे काम को देखा है। बीजेपी तेलंगाना के विकास के लिए हम दिन रात एक कर देंगे। बीजेपी तेलंगाना का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी। बीजेपी तेलंगाना के नौजवानों को रोजगार देगी। बीजेपी तेलंगाना के छोटे किसानों की परेशानियां दूर करेगी। बीजेपी यहां की महिलाओं का जीवन आसान बनाएगी। बीजेपी यहां बीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी यहां मादी समाज को न्याय दिलाएगी। आपको पता ही है कि अगले साल होने जा रहे चुनाव में फिर एक बार देश की जनता ने
मोदी की सेवाएं लेना तय कर लिया है। मुझे यहां भी बीजेपी सरकार का साथ मिलेगा तो तेलंगाना के लिए काम करने में मुझे भी बहुत मदद मिलेगी। इसलिए इस चुनाव में बीजेपी को जिताइए, यहां बीजेपी के हर उम्मीदवार को दिया आपका वोट मोदी को मजबूत बनाएगा। ना कुटुंब सभ्युलारा, आने वाले 5 साल तेलंगाना के विकास के लिए बहुत जरूरी है। डबल इंजन की सरकार तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगी। इसके लिए यहां बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी रावली, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। अच्छा तो मैं बात बोलता हूं, बोलेंगे आप बोलेंगे बीजेपी रावली, बोलेंगे तेलंगाना के तेज विकास के लिए, तेलंगाना के तेज विकास के लिए, तेलंगाना के तेज विकास के लिए, करप्ट नेताओं पर कार्रवाई के लिए, करप्ट नेताओं पर कार्रवाई के लिए, शराब स्कैम के गुनहगारों को जेल भेजने के लिए, शराब स्कैम के गुनहगारों को जेल भेजने के लिए, इरिगेशन स्कैम के दोषियों को जेल भेजने के लिए, इरिगेशन स्कैम के दोषियों को जेल भेजने के लिए, छोटे किसानों का कल्याण करने के लिए, छोटे किसानों का कल्याण करने के लिए, छोटे उद्यमियों की मदद के लिए, छोटे उद्यमियों की मदद के लिए, बुनकर समुदाय की मदद के लिए, बुनकर समुदाय की मदद के लिए, नौजवानों को रोजगार के नए अवसर देने के लिए, शहर युवा हो या गांव, दोनों के संतुलित विकास के लिए आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है। कमल को मिला हर वोट मेरी शक्ति बढ़ाएगा। करेंगे, पक्का करेंगे। हर घर में जाएंगे, कमल खिलाएंगे, बीआरएस को साफ कर देंगे, कांग्रेस को साफ कर देंगे, कमल ही कमल करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, अभी इसमें तो बड़ा जुस्सा था, मेरा काम बोल रहा हूं तो ठंडे पड़ गए।